आपने अच्छी बैटिंग की, लेकिन आप मैच हार गए। आपने कहां पर लैग किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तार भाई, सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशन पेश करता हूँ अपने जो अपोजिशन थी पिशावर जल्दी, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, हमने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन अर्ली जो ब्रेक थ्रू था हमारी, विकेटें जो अर्ली गिरी हैं, वो मेजर पॉइंट था आबिद और शान की, जिसकी वजह से ये मैच हम लूज़ हुए। अगर वो विकेटें स्टे करती विकेट पे, तो ये मैच, ये स्कोर हम इजीली चेज कर सकते थे। अगर देखा जाए तो आप रेगुलर बैट्समैन से अच्छा खेले, मैं तो समझता हूँ शायद आपको लेट भेजकर वसीम बॉबी ने गलती की। अगर आपको पहले भेजा होता शायद आप स्कोर को नजदीक ले जाते। आपका इस बात पर क्या कहना है? देखिए, हमारी टीम में का जो कॉम्बिनेशन होता है देखा जाए तो वो बहुत अच्छा है। हमारे जो सीनियर बैट्समैन हैं आबद दत्त और शान, जो कि हमसे ज़्यादा सीनियर है, और वो इन भी हैं गेम में, हमारा प्लान ये था कि हम जो हमारे मेन प्लेयर हैं उनको पहले भेजें, ताकि एक अच्छा टोटल है उनको चेज करने में हम कामयाब हो सकें। लेकिन उन जो है वो हमारी जो बड़ी मछलियाँ थी, हमारे मेन ओपनर थे, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उनकी थोड़ी बैड लक थी आज। आप थोड़ा फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन वो वाली इनिंग नहीं खेल पाए जो लास्ट ईयर आपकी तरफ से उन्होंने खेली थी। तो एनीवेज इंशाल्लाह वी विल कम बैक स्ट्रांगली। मियां महबूब, ये तो आपने मेरे वाली बात कर दी कि हम कम बैक करेंगे। कम बैक तो हर टीम करेगी, हर टीम अच्छा खेलेगी, लेकिन अभी तक देखा जाए तो स्ट्रांगली लाहौर कलंदर और पिशावर जलमी स्ट्रांग भी है और खेलने में मजबूत है। मजबूत असाफ के मालिक इरफान चट्ठा और उनकी टीम जो के लाहौर कलंदर है, और जो लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी कर रहे हैं इतने हौसले के साथ। पहले कभी भी लाहौर कलंदर पहला मैच जीती नहीं, पिछली बार एक मैच जीती थी, लेकिन उसके बाद मुसलसल हार हुई है उनके मुकद्दर में। इस बार क्या होता है कोई पता नहीं, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं इरफान चट्ठा। इन्होंने जबरदस्ती जो है ना लाहौर कलंदर को चूज किया, उन्होंने कहा इस बार मैंने लाहौर कलंदर लेनी है और इनको चैंपियन बनाना है। इस बारे में मियां महबूब का कमेंट क्या है वो देखते हैं। देखिए, इस लीग में सबसे मोस्ट सीनियर बैट्समैन है इरफान चट्ठा। लास्ट टाइम वो पिशावर जलमी की तरफ से वो कैप्टेंसी कर रहे थे और बहुत अच्छी कप्तानी रही है उनकी। अगर इस पीएसएल की बात की जाए तो अभी तक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लाहौर कलंदर्स की और उनके कैप्टन की। पहला मैच मैंने देखा, थोड़ा मैं लेट था, लेकिन मैंने मैच देखा, अच्छी इनिंग्स खेली डॉक्टर मुनीब ने और अजीम शाकर ने, अच्छा मैच हुआ, कप्तानी बहुत अच्छी थी। लेकिन यहाँ पे मुझे जो उन्होंने लैक किया है, वीकनेस नजर आई है, वो इनकी फील्डिंग थी। और इरफान चट्ठा बार बार उनको समझा भी रहे थे कि अगर आप फील्डिंग अच्छी करेंगे तो इससे भी कम टोटल पे हम उनको पकड़ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी और उम्दा क्रिकेट खेली और अच्छा आगाज किया इरफान चट्ठा और उसकी कंपनी ने। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा मियां महबूब से, इस लीग में सीनियर जूनियर का कोई प्रेशर जो होता है, सीनियर जूनियर का प्रेशर जो होता है वो आप थोड़ा सा बता दें, क्योंकि सीनियर जूनियर का प्रेशर होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो बच्चे हैं वो सीनियर का प्रेशर लेते हैं, इसलिए आप कोई कमेंट करेंगे इस बात पर? ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है, अच्छा पॉइंट आपने उठाया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक विलेज की गेम है, सारे गांव के लड़के हैं, ठीक है, एक दूसरे को रोज बर रोज खेलते भी रहते हैं, एक दूसरे का सामना करते हैं, तो इतना ज्यादा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, प्रेशर आता है जूनियर और सीनियर के जब एक दूसरे का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आता। उसकी वजह यह है कि अगर इस लीग के बाद भी वो बच्चे एक दूसरे का सामना करते हैं, लेकिन एक तो जूनियर और सीनियर का प्रेशर है, दूसरा जो क्राउड आता है ना शायकीन, उनका एक एक्स्ट्रा जो है वो प्रेशर होता है। शायद आपने एमएस धोनी का बयान सुना हो, उन्होंने कहा था कि मैं जो है ना वो मतलब आउट ऑफ अपने कंट्री से बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ, लेकिन जब मैं इंडिया में खेलता हूँ तो मेरे पे जो मेन प्रेशर होता है वो मेरे क्राउड का होता है, ठीक है। कुछ प्लेयर्स होते हैं वो क्राउड का प्रेशर ले जाते हैं, कुछ सीनियर्स का ले जाते हैं, कुछ टीम का ले जाते हैं, तो खेलने से ही प्रेशर जो है वो रिलीज होता है। और क्रिकेट में सबसे मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि वो टीम हमेशा जीतती है जो प्रेशर को हैंडल करती है। अब इरफान चट्ठा की टीम थी, आप थे, कितनी अच्छी
अच्छी बैटिंग कर रहे थे, खूब धुलाई कर रहे थे, जो ही आपकी विकेट गिरी उन्होंने पकड़ लिया, प्रेशर कम बैक कर दिया आपके ऊपर, जो है वो माउंट कर दिया प्रेशर। ये होती है क्रिकेट। जो बंदा, इमरान खान भी कहता है कि जो बंदा क्रिकेट में प्रेशर हैंडल कर गया वो मैच जीत गया, प्रेशर हैंडल करना सीखा। एक आखिरी सवाल।